जी हाँ, हमेशा अपने बयानों के चलते अखबारों और चैनलों की सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू आज फिर अपने हल्के में निकले, लेकिन मीडिया से तो ना कोई बात की और ना मीडिया से रूबरू हुए। जी हाँ, आज अमृतसर के वेरका ब्लॉक में सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेरका में मान दिया और समाज भलाई सोसाइटी की तरफ से राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के 114वें जन्मदिन मौके एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने शिरकत की। वहीं सिद्धू इस कार्यक्रम में पहुंचे तो जरूर, लेकिन ना तो स्टेज पर गए और ना ही किसी को सियासी बात की। स्कूल के स्टाफ और बच्चों के साथ फोटो ली और सेल्फी लेने के बाद सिद्धू अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। वहीं सिद्धू के जाने के बाद सीनियर कांग्रेस नेता मास्टर हरपाल सिंह वेरका और सोसाइटी के प्रधान गुरविंदर सिंह मट्टू ने खेल दिवस पर अपने खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली 30 कन्याओं को सम्मान चिन्ह एवं मेडल देकर सम्मानित किया। वहीं खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली और मेडल जीतने वाली कन्याओं ने भी सोसाइटी की तरफ से किए गए इस ऊपर वाले की सलाह की। अज इतने लड़कियों के स्कूल सरदार नवजोत सिंह सिद्धू मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल होए। उन्होंने बच्चों इतने अज जे बहुत ही चंगे जो खिडारी आ लड़कियां जड़िया वा उन्होंने इनाम दिते आ, ते होर भी इस स्कूल ग्रांट दे के गए आ। ये प्रोग्राम जरिंदर सिंह मट्टू जोड़े समाज सेवा करते उन्होंने सहयोग नाल ये प्रोग्राम इतने वेरके कराया गया वा। अं चाहते हैं कि यहोजे होर भी जोड़े आ नौजवान मट्टू वर्गे आ वधिया वधिया जोड़े काम आ कर प्रोग्राम अज जो प्रोग्राम से जोड़ा हाकी का जादूगर ध्यानचंद सी उहदे जन्मदिन संबंध दे विच प्रोग्राम रखा गया सी, क्योंकि वह एक बहुत तगड़ा खिडारी हाकी का पैदा है। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।